Uh, 1.7 सिर्फ लास्ट वाला लेसन बचा है यूनिट वन फिनिश होने में तो वो कल हम जरूर पढ़ लेंगे तो आज हम देख रहे हैं 1.6 द द एंड क्रेन लुक एट दिस हियर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ यानी कि मोर एंड क्रेन क्रेन यानी कि सारस पक्षी होता है ओके सो चलिए चलते हैं इनके बारे में ये पूरा आपका लेसन है एंड क्लास सिक्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर वन द पिकॉक एंड द क्रेन फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी

लेक्चर और इन दिस लेसन योस्ट ब्यूटिफुल वर्ड विच वी कॉल्ड पिकॉक पिकॉक यानी खूबसूरत पूछ होती है सो वेरियस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं दे अभी मैं जो पढ़ने जा रही हूँ इच एंड एवरी सिंगल वर्ड का मैं मीनिंग भी बता रही हूँ नोट डाउन कीजिएगा एंड प्रैक्टिस कीजिएगा दे वॉज वंस वेरी कॉन्सट्रेट पिकॉक who had a gorgeous tail like no other bird एक बार एक बहुत ही अभिमानी मोर था कनसिटेड यानी कि अभिमानी जिसको बहुत ही घमंड होता है who had a gorgeous tail like no other bird और उसके पास जिसके पास एक खूबसूरत पूंछ थी जो किसी अन्य पक्षी की नहीं थी यानी कि सबसे सुंदर पूंछ सिर्फ मोर की होती है ओके एंड सो इसलिए

स्कॉफ स्कॉफ यानी कि उसने उस पर मजाक उड़ाया मोर ने सारस पक्षी के पंख का मजाक उड़ाया एंड इमीडिएटली स्प्रेड हिज ओन कलरफुल टेल फॉर द क्रेन टू सी एंड एडमायर इमीडिएटली यानी तुरंत उसने क्या किया तुरंत ही स्प्रेड यानी फैलाना हिज ओन कलरफुल टेल टेल यानी पूंछ ये मोर की पूंछ होती है जो फूलने के बाद बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट देती है ठीक है तो उसने क्या किया फिर

एक बार एक बहुत ही अभिमानी मोर था जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत पूज थी जो किसी अन्य पक्षी की नहीं थी इसलिए जब वो एक दिन एक सारस पक्षी से मिला तो मोर ने उस सारस पक्षी के रंगहीन और निष्प्रभ पंख पर मजाक उड़ाया और सारस पक्षी को देखने और प्रशंसा करने के लिए तुरंत अपनी खुद की रंगीन पूछ फैला दी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं लुक एट दिस दिस इज द्रेन बर्ड लुक एट माई फीदर्स ही रेनबो

जबकि तुम्हारे इतने फीके पंख हैं। आई एम ड्रस्ट लाइक अ किंग मैं राजा की तरह सज गया हूँ यानी कि कपड़े पहनना लेकिन पक्षी के जो होते हैं पंख उनको पोशाक की तरह ही होते हैं। यहाँ पे इसका जो उपयोग किया है सजना पोशाक करना या फिर आभूषण पहनना इस तरह से इसका उपयोग किया है आई एम ड्रस्ट लाइक अ किंग मैं राजा की तरह सज गया हूँ ऐसा मोर ने क्रेन से कहा आगे पढ़ते हैं क्या हुआ That's true, the crane answered. Answer यानी उसने जवाब दिया कि मैं सारस ने उत्तर दिया कि यह सच है यह सच है सारस ने उत्तर दिया बट आई कैन फ्लाई हाई अबो अबो यानी कि ऊपर लेकिन मैं तो ऊपर उड़ सकता हूँ बहुत ही ऊंचा में उड़ सकता हूँ लुकेथियर कि ये जो पक्षी हैं हवा में ऊंचे उड़ सकते हैं अमंग क्लाउड्स क्लाउड्स यानी क्या बादल And एंड स्टार्स स्टार्स यानी सितारे एंड आई कैन सी ऑल द बुटी ऑफ दर्थ इन ग्लोरी की सुंदरता है मैं ऊपर से पूरी पृथ्वी की सारी सुंदरता देख सकता हूँ उड़ सकता हूँ बादलों और सितारों के बीच अमंग यानी बीच में बादलों और सितारों के बीच और मैं पृथ्वी की सारी सुंदरता को देख सकता हूँ सी यानी देखना वाइल यू लिव डाउन हि जस्ट लाइक एनी अदर कॉक लेकिन आ, लेकिन वाइल जबकि तुम किसी मुर्गे की तरह यहाँ रहते हो यानी कि मोर तो ज्यादा ऊपर उड़ नहीं सकते फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स उसके बाद क्रेन ने यह स्टेटमेंट किया है कि आकर्षक दिखना बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता सो so स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स इसका जो एक्सप्लेनेशन आपके टेक्स्ट बुक में आया है दैट इज द सेइंग

बहुत ही महंगे कपड़े पहनना और किसी के अगर कम महंगे कपड़े हैं तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है बात आखिर आ जाती है कि आपका बिहेवियर कैसा है आपका दिल कैसा है आपका मन कैसा है तो इस लेसन से आपको ये पढ़ने को मिल रहा है कि आकर्षक दिखना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हमारा मन भी बहुत साफ और अच्छा होना चाहिए दूसरों के प्रति ओके okay? एंड जैसे कि मैंने आपको ये पूरा लेसन पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट्स थ्रू मुझे मुझे जरूर बताइएगा ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए बट मैं ऑल दी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि सबसे पहले आपको जो लेसन है जो यूनिट नंबर वन है पूरा समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर दोएम से पोएम का मीनिंग क्या है और फिर लेसन का मीनिंग क्या है और आपको आपके बच्चों को पढ़ाना चाहिए या फिर आपके बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है बट द थिंग इज दैट कि जब पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं तब जो पढ़ा हुआ है तो उसका रिवीजन हो जाता है इसलिए हम क्वेश्चन आंसर्स बाद में अपलोड करने वाले हैं सो so, हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा खुद की केयर कीजिएगा और स्टे सेफ स्टे हेल्दी चलिए यहाँ पे देखिए पूरा मैंने आ, ये जो हमारा लेसन है

Don't give up. 1.2. Who is the greatest? 1.3. Autobiography of a great Indian Bustard. 1.4. Children are going to school. 1.5. A kabaddi match. And this is the 1.6. The peacock and the crane. And next jo lesson. Hai,

खुद के नोट्स निकालने के बाद कैसा होता है कि आपकी पढ़ाई जो आपने पढ़ा है वो आपका रिविजन हो जाता है और समझ में आने के लिए कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी नहीं आता सो so, चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ हैप्पी ऑल जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस गवर्नमेंट्स की तरफ से बोले जाते हैं सारे फॉलो कीजिएगा एंड चलिए टेक केयर गुड बाय